हमारे यहाँ के लोग अपनी गाड़ी धुल के बिल्कुल चमका लेते हैं जब किसी मॉल में जाना होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी की बारात में जा रहे हो, और जैसे ही मॉल की बिल्डिंग दिखती है उसको देखकर ऐसे एक्साइटेड होते हैं जैसे गाड़ी यहीं से मोड़ के डिवाइडर तोड़ के सीधे मॉल में घुसना चाहते हो, जैसे इनके घर वालों ने मॉल बनवाया। और फिर जैसे ही मॉल के एंट्री गेट में पहुंचते हैं तो वहां गाड़ियों की लाइन लगी होती है। तो गाड़ियों के मॉडल को देख के लोग जज करते हैं सबसे पैसे वाला कौन है, भले ही जिसकी गाड़ी हो उसका लोन ना चुका पा रहा। और मॉल के एंट्री गेट में घुसते ही जितनी एंट्रेंस मॉल के अंदर जाने के लिए नहीं होती उससे ज्यादा पार्किंग की एंट्रेंस होती है। समझ नहीं आता गाड़ी कहां से ले आनी, और गाड़ी पार्क करने से पहले इस मशीन का बटन दबा पर्ची निकालनी पड़ती है। और जिसको पता होता है वो अपने आप को जीनियस समझता है, काहे कि कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। फिर गाड़ी पार्क करने के लिए 10 से 15 मिनट पार्किंग की जगह ढूंढनी पड़ती है। उसके बाद जहां गाड़ी खड़ा करते हैं उस पिलर का नंबर याद करना पड़ता है ताकि गाड़ी आसानी से मिल जाए। इतना तो बचपन में टेबल नहीं याद किया। और मॉल में एंट्री होने से पहले चेकिंग होती है, ऐसा लगता है जैसे एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से गुजर रहे हो। और मॉल में घुसते ही लोगों की चाल में बदलाव हो जाता है, काहे कि दिखाना होता है कि हम भी पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि मॉल में लोग कपड़े के पहनावे से लेकर चलने के तरीके से लोगों को जज करते हैं कि कौन पैसे वाला है। और मॉल में शोरूम को दूर से ही देखते हैं, कुछ खरीदते नहीं, और उसके अंदर जो लोग सामान खरीद रहे होते हैं उनके बारे में सोचते हैं पैसे वाले लोग हैं। बस यही सब करके एक आध फोटो खिंचवा के अपने घर आ जाते हैं।